हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जैसे कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करने वाली सरकार में अब एक एक करके फिर घोटाले उजागर होने लगे हैं। पिछले दिनों फूड सप्लाई विभाग में एक घोटाला उजागर हुआ था। अब विजिलेंस की जांच में अनुसूचित जाति और पिछड़ा कल्याण विभाग है, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट, अब उसमें एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जो पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक से ऊपर के जो स्टूडेंट हैं, उनकी स्कॉलरशिप में सोनीपत, रोहतक और झज्जर में ही 26 करोड़ का घोटाला विजिलेंस ने उजागर किया है और 19 जिलों की जांच अभी बाकी है। इसमें डिप्टी डायरेक्टर समेत 11 अधिकारी और 4 कर्मचारी के खिलाफ अभी 11 अधिकारी कर्मचारी और चारों पर FIR दर्ज हुई है। 3 साल से की जांच हो रही है और 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला होने की संभावना जताई गई है। तो 1981 से 14 तक का जो रिकॉर्ड है वो सारा देख लिया जाएगा और विजिलेंस के जो DG हैं उनने दावा किया है कि इसमें एक तिहाई कम से कम फर्जी संस्थाएं हैं। तो दोस्तों, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के जो 10वीं से ऊपर के जो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट थे, उनने रोहतक, झज्जर और सोनीपत में 26 करोड़ का घोटाला जो उजागर किया गया है, उसमें 11 अधिकारी और 4 प्राइवेट लोग शामिल हैं। 19 जिलों की जांच अभी बाकी है और 50 करोड़ रुपए के पार भी जा सकती है जांच, ऐसा उन्होंने दावा किया है। 16, 17, 18, 19 तीन ही वित्तीय वर्षों के दौरान, हालांकि अभी ये तो पूरा भी नहीं हुआ है, तो इनमें